वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे आपके बिहार डीलर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो आपका स्पोर्ट एडमिशन का जो डेट आ गया है। तो स्पोर्ट एडमिशन में आपको आप कितने कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम कितने कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप 2, 3, 4, 5, 6 जितने चाहे कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस कॉलेज में जितना सीट वैकेंट है और आपके कैटेगरी में वैकेंट है, तो ये आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप 4-5 कॉलेज में फॉर्म भरिए तो सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने एक कॉलेज में फॉर्म भरा, सपोज उसमें नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम आप 4 से 5 कॉलेज में फॉर्म भरिए और देखिए कि आपके जो मान लीजिए किसी भी कैटेगरी होंगे ना, जनरल होंगे चाहे SC ST होंगे चाहे OBC होंगे, तो अपने आपके जिस कैटेगरी में सीट खाली है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि जनरल में सीट खाली है, 4 सीट खाली है, और इसमें है कि 2 सीट आपका साइंस के लिए, 1 सीट आपका आर्ट्स वालों के लिए, तो अपनी कैटेगरी वाइज और जो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका साइंस का तो साइंस वाले में से अप्लाई कर सकते हैं, और कोई चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो आप अपना कैटेगरी वाइज और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको देख के मिला के और आप फॉर्म भर सकते हैं। आप मल्टीपल कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला ये डाउट अप्रूवल क्लियर हो गया। दूसरा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो आप क्या आपको मीन्स घर पर बैठ के आराम से आपको किस कॉलेज में कितना सीट खाली है आपको चेक करना पड़ेगा। वैकेंट सीट आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी आपका सेलेक्ट कॉलेज है वहाँ पर जाइए, आपको एक स्पोर्ट एडमिशन का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्म को भर के और आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, फिर आपको तो रिसीविंग मिलेगा। आप रिसीविंग अपने पास रख लीजिए, फिर आप 31 अगस्त को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, और बंदी जो कहते हैं ना मेरिट लिस्ट, तो इसमें क्या आपको चेक करना है कि जैसे जो लिस्ट आएगा आपका नाम उसमें है कि नहीं। सपोज अगर आपका 80 मार्क्स है, ठीक है, और किसी का 75 मार्क्स है और इसका नाम लिस्ट में है और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप इस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप वेट कीजिए, फिर आपका 4 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। 4 सितंबर को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और फिर कॉलेज जाइएगा, चेक एंड वेट टिल 4 सितंबर। तो 4 सितंबर लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको जाकर वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा करना है। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको जमा कीजिए, फी को पे कीजिए, और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था कि सबसे पहले आपको अपना सीट चेक करना, स्पोर्ट एडमिशन का फॉर्म भर के आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना, ठीक है, और फिर वो 4 तारीख तक वेट करना है। 4 तारीख को फिर आपका जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, इसमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें धांधली भी होता है। सपोज आपका अगर नंबर कम है, आपका नंबर ज़्यादा और किसी का नंबर कम है, तो उसका हो जाएगा, इसका सेटिंग नहीं होगा, आपका नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कॉलेज में पूछना पड़ेगा कि सपोज दैट XY% इसका हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे नहीं हुआ, तो आप कॉलेज से पूछिए कि जो मेरिट लिस्ट है इसका कितना नंबर था, तब इससे आप अपना नंबर को मिला के समझ सकते हैं कि कैसे मेरिट लिस्ट बना। तो आपका नंबर ज़्यादा होने के बाद भी आपका नाम नहीं आएगा, ये सब चीज़ें होती है स्पोर्ट एडमिशन में, तो इस चीज़ ध्यान रखिए। अब आपका डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, तो ये तो नॉर्मली देखिए सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लगेगा। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ फोटो को जब जाइएगा ना फर्स्ट टाइम, तो आपको सिर्फ फोटो को भी जमा करना है, ठीक है, ओरिजिनल जमा नहीं करना फर्स्ट राउंड में। जो आपका 4 सितंबर को अगर आज का फाइनल लिस्ट में नाम, तो आपको ओरिजिनल देकर एडमिशन लेना है। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, लगेगा मेरिट एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। दूसरा आपको जो आपका स्कोर जो नंबर आया था डीरेड में उसका आप निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, वो उसको देना है। और जो आपने काउंसलिंग का फॉर्म भर उसको CF कर दे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जो काउंसलिंग का फॉर्म है उसका PDF को लेकर जाना है। आप 10th का आपका मार्क्सिट लगेगा ओरिजिनल लगेगा, 12th का भी मार्क्सिट और ओरिजिनल, और आप 12 बेसिस पर ले रहे हैं एडमिशन, तो आपको CLC और DC देना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको इसका मार्क्सिट देना पड़ेगा ओरिजिनल, और ग्रेजुएशन खाइए आपका CLC लगेगा और TC लगेगा जो भी आपका। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड का फोटो भी लगेगा, और जाति और निवास रिपोर्ट हमें देना पड़ेगा, और शपथ पत्र और मेडिकल
इसको अभी मत दीजिएगा, जब फाइनल लिस्ट ऑफ कर रहा है मैं तब यह बनवा कर दे दीजिएगा। यहाँ पर जमा नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिया माने वहाँ इसको जमा कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा सिनेरियो था स्पोर्ट एडमिशन का, ठीक है। इनके कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने सबको सही कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है और आपके कैटेगरी में कितना सीट खाली है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज नहीं तो सिर्फ फॉर्म भर जाइएगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाम जल्दी आता ही नहीं, सीट बहुत कम है। और अभी भी स्पोर्ट एडमिशन के लिए 1000 के अप्रोक्स सीट खाली है। तो मे भी अगर फर्स्ट राउंड में आपका क्लियर नहीं होता कि पूरा सीट नहीं फिल होता तो सेकेंड राउंड भी आ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।